गुड मॉर्निंग अंशिका बेटा। हाँ गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मीनाक्षी, प्रणाम राहुल, कैसे हैं सब? गुड मॉर्निंग किशन, चलिए लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग कृष्णा, चलिए ऑल द न्यू स्टूडेंट हु आर ज्वाइनिंग द अनअकैडमी और कमिंग टू दिस यूट्यूब सेशन, वेलकम टू एवरीवन। रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड द सोशियोलॉजी ऑप्शनल कोर्स, इट हैज स्टार्टेड दिस डे बिफोर येस्टरडे, सो इफ यू आर विलिंग टू ज्वाइन द सोशियोलॉजी कोर्स देन यू कैन ज्वाइन इट बाय यूजिंग द रेफरल कोड अंकुर आईएएस। Right, the new batches for the 21, 22, 23, they have started yesterday only. Ethics course also has been started day before yesterday. Right, this is a live mentoring platform for all the Iconic Plus subscription students. They will going to get the personal coaching, doubt solving, their test series will going to get evaluated one by one. Let's start. Jai Hind Kunal. अरे कुणाल सॉरी यार, पहले बताते हैं यहाँ पे। राम राम अभिषेक। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द वुलन टेक्सटाइल इन इंडिया। द बल्क ऑफ इंडियन वूल इज ऑफ द कोर्स क्वालिटी यूज्ड मोस्टली इन द हैंडमेड कार्पेट इंडस्ट्री। राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वूल इन इंडिया। वूल हैज अ हायर थर्मल कंडक्टिविटी देन द कॉटन। Wool is the only natural fiber in which the country is deficient. कुणाल तुम ना इनिशियली के जो है यहां पे 15 मिनट का सॉल्व कर जाना रास्ते में चलते चलते, मेरे को आइडिया नहीं था, मैंने उसके अकॉर्डिंग तो जो है यहां पे सी सेट लिया फिर। ठीक है मीनाक्षी, राइट अंशिका, राइट किशन, ओके राहुल, ओके कुणाल, यस आंसर इज सी, गुड। वुलन टेक्सटाइल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रूरल बेस्ड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। India's wool and the woolen industry can broadly be divided into 10 major product categories: worsted yarn, woolen yarn, wool tops, fabric, shoddy yarn, shoddy fabrics, blanket, knitwear, handmade carpets, and the machine-made carpets. India has the third largest sheep population country in the world. The bulk of Indian wool is of the coarse quality and is used mostly in the handmade carpet industry. 85% of the wool produced is the carpet grade wool, 5% apparel grade, and remaining 10% coarse grade wool for making rough kambals. A small quantity of speciality fiber is obtained from the Pashmina goats and Angora rabbits. India is 7th largest producer of the wool in the world with a global production share of nearly 1.8%. ठीक है, 44% प्रोडक्शन जो है यहां पे राजस्थान से होती है। थर्मल कंडक्टिविटी,
द लोअर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटीरियल द ग्रेटर द मटीरियल एबिलिटी टू रेजिस्ट द हीट ट्रांसफर एंड हेंस द ग्रेटर इंसुलेशन इफेक्टिवनेस. गुड मॉर्निंग निष्ठा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू द डेडली पेस्ट फॉल एनी आर्मी वॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑर आर करेक्ट. इट इज नेटिव टू द अफ्रीका वेयर इट इज डिक्लेयर्ड एज अ फूड सेफ्टी थ्रेट. इट मेनली इन्फेक्ट द मेज क्रॉप्स. इन इंडिया इट वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन कर्नाटका. अच्छा किशन वो हाँ तो तुमने भेजा इतनी जल्दी. पता नहीं कौन कौन सी पीपीटी भेजते रहते हो. ठीक है अभिषेक. मेनू शोर है तो ही कर बेटा वरना स्किप कर. राइट आंसर इज सी मीनाक्षी इज करेक्ट. द फॉल आर्मी वॉर्म और द स्पोडोप्टेरा फ्रुगीप्टेरा इज एन इंसेक्ट दैट इज नेटिव टू ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द अमेरिका. इट इज एस्टिमेटेड टू हैव कॉज्ड इकोनॉमिक लॉस ऑफ अप टू $5.5 million पर ईयर फ्रॉम 10 ऑफ द हाइएस्ट मेज प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका. अप टू 2 centimeter लॉन्ग पेस्ट लैंडेड इन अफ्रीका इन 2016 from its native America almost after 100 years. Since then, it has wreaked havoc in over 50 countries in Africa and Asia. Good morning, Hema. Nay Krishna, its answer is C, beta. ठीक है इंडिया में सबसे पहले इसको कर्नाटका में स्पॉट किया गया था. उसके बाद से धीरे धीरे इसने 10 states में जो है यहाँ पे अपने आप को जो है यहाँ पे फैला लिया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू एशिया पैसिफिक रूरल एग्रीकल्चरल एंड द क्रेडिट एसोसिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. It is an initiative of ASEAN. Its membership is open for the central banks and the development banks only. It promotes access to the financial services through the knowledge sharing for rural development. आंसर इज बी राइट 3 ओनली. एशिया पैसिफिक रूरल एग्रीकल्चरल एंड द क्रेडिट एसोसिएशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द रूरल एंड द एग्रीकल्चरल फाइनेंस दैट हेल्प्स प्रमोट द प्रोडक्टिविटी इंक्लूसिव ग्रोथ सेल्फ रिलायंस एंड वेलफेयर ऑफ द रूरल पुअर इन द एशिया पैसिफिक रीजन. ठीक है इट वॉज अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ FAO that the rural finances and the agricultural credit institutions in the region formally launched APRECA during its first general assembly meeting in New Delhi. ठीक है ये एक एनजीओ है composed mainly of the central banks and the agricultural banks.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन लीड टू द सॉइल डिग्रेडेशन? ओवरग्रेजिंग, रीफॉरेस्टेशन, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, लैंडस्लाइड। गुड, राइट आंसर इज सी। सॉइल इरोजन एंड द डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द सॉइल एज अ रिसोर्स। बोथ ह्यूमन एंड द नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल। फैक्टर्स विच लीड टू द सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, राइट, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड एंड द फ्लड्स। रीफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द मेथड यूज फॉर सॉइल कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द कवर क्रॉप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज अ क्रॉप ऑफ अ स्पेसिफिक प्लांट दैट इज प्राइमरली ग्रोन अंडर अ ग्रीन हाउस कवर। It aids in reducing the soil and water erosion. Which of the statement given above is or are correct? ना ना किशन, ऐसी क्या बात है? ये वाले क्वेश्चन तो तुम्हारे वाले लेवल पे आसान है ना? कुणाल चले बी पे, हेमा चले बी पे, मीनाक्षी चली सी पे, किशन गिविंग द आंसर बी। ओके, राइट आंसर इज बी। ठीक है, जितने सी वाले हैं यहां पे अपने आप को करेक्ट कीजिए। अ कवर क्रॉप इज अ क्रॉप ऑफ अ स्पेसिफिक प्लांट दैट इज ग्रोन प्राइमरली फॉर द बेनिफिट ऑफ द सॉइल रादर देन द क्रॉप यील्ड। कवर क्रॉप्स आर कॉमनली यूज टू सप्रेस द वीड्स, मैनेज द सॉइल इरोजन, हेल्प बिल्ड एंड इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी एंड द क्वालिटी, कंट्रोल द डिजीजेज एंड द पेस्ट एंड प्रमोट द बायोडाइवर्सिटी। कवर क्रॉप आर टिपिकली ग्रासेस ऑफ द लेग्यूम्स but may be comprised of other green plants. Most often a cover crop is grown in the off season before the field is needed for growing the cash crops. Okay, it improves the biodiversity by increasing the variety of species in a given area. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सॉल्ट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन इंडिया। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया। तमिलनाडु हैज द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड कंज्यूमिंग एडिक्वेटली आयोडाइज सॉल्ट। इन इंडिया सॉल्ट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर मॉनिटर्ड बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। EG1, EG.
राइट, करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है अंशिका, नॉट करेक्ट पूछा था बेटा। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, गुजरात जो है यहाँ पे उसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, वर्स्ट परफॉर्मर जो है यहाँ पे वो है तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। ठीक है, गुजरात प्रोड्यूसेस 71% ऑफ द सॉल्ट इन द कंट्री, बताओ फिर भी इतना मीठा खाते हैं, फॉलोड बाय द राजस्थान एंड द तमिलनाडु। एज पर द सर्वे, जम्मू एंड कश्मीर नाउ अ यूनियन टेरिटरी एट द टॉप विद रिस्पेक्ट टू आयोडाइज सॉल्ट कंजम्पशन एट द हाउस होल्ड। चल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सूटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ड्राई एंड द एरिड क्लाइमेट, अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर, कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। निष्ठा क्या होगा? राइट आंसर इज बी। देयर आर द सिक्स जियो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑन विच द लोकेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिपेंड, क्लाइमेट, पावर, रॉ मटेरियल, लेबर, ट्रांसपोर्ट, मार्केट। क्लाइमेट एक्सरसाइज द मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन द कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन यार्न कैन नॉट बी स्पन सक्सेसफुली अंडर द ड्राई कंडीशंस। द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमोसफेयर मस्ट बी कंसिडरेबल, अदरवाइज द यार्न ब्रेक कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। द लोकेशन ऑफ द कॉटन स्पिनिंग इंडस्ट्री इन द यूके हैज क्लियरली बीन डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अनदर क्लाइमेट फैक्टर इज द लोकलाइजेशन ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री इन एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर। वाटर इज नीडेड इन सो मेनी ऑपरेशन कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री। Water is necessary for use in the condensers of the steam engines and in the numerous washing operations of the industry. नेक्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज, टाइगर ट्राइम्प यूएस, एक्सरसाइज शक्ति बांग्लादेश, एक्सरसाइज सूर्य किरण नेपाल। राइट, करेक्ट आंसर इज सी, गुड। नहीं राहुल, लेट्स सी बेटा, काउंटर टेररिज्म टेबल टॉप एक्सरसाइज, इट इज द फर्स्ट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज फॉर द क्वाड कंट्रीज, रिसेंटली होस्टेड बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी न्यू दिल्ली। एक्सरसाइज सूर्य किरण, इट इज बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल।
मित्र शक्ति बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका, शक्ति जो है यहाँ पे इट इज बिटवीन द फ्रांस एंड इंडिया, ना कि इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, जायद अल बाहर दिस इज बिटवीन द इंडिया एंड द कतर। टाइगर ट्राइब बिटवीन द इंडिया एंड द यूएस। डस्ट लेक बिटवीन द इंडिया एंड द उज्बेकिस्तान। यस किशन राइट। अमंग ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमोडिटीज। मिल्क, व्हीट, फिश। कुणाल क्या होगा? अभिषेक। राइट, आंसर इज ए। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क, पल्सेस एंड द जूट एंड रैंक एज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइट, वीस, शुगर केन, ग्राउंड नट, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड कॉटन। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द स्पाइसेस, फिश, पोल्ट्री, लाइफ स्टॉक एंड द प्लांटेशन क्रॉप। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फिश इन द वर्ल्ड। दिस कंट्री प्रोड्यूसेज अबाउट 58.8 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ द फिश पर ईयर। इट इज एस्टिमेटेड दैट दिस कंट्री अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ द वर्ल्ड टोटल फिश प्रोडक्शन। वन ऑफ द की रीजन सच इनॉर्मस फिश प्रोडक्शन इज दैट द गवर्नमेंट इनकरेजेस द फिश फार्मिंग एज वेल एज द एक्वाकल्चर कल्टिवेशन फॉर मेनी ईयर्स। व्हीट में कौन है फर्स्ट? यस राइट। वीट में भी तो यहाँ पे चाइना है। नहीं नहीं बेटा, चाइना इज द फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्राई लैंड एग्रीकल्चर? डीप प्लोइंग, रेनफेड फार्मिंग, मल्चिंग। राइट, करेक्ट आंसर इज डी। गुड। इट रेफर्स टू द ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स एंटायरली अंडर द रेनफेड कंडीशंस, दैट इज नो आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ द वॉटर। बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल रिसीव, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कैन बी ग्रुप्ड इनटू थ्री कैटेगरीज। ड्राई फार्मिंग, कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स इन एरिया वेयर रेनफॉल इज लेस देन 750 mm। ड्राई लैंड फार्मिंग, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन एरिया रिसीविंग रेनफॉल अबव 750 mm। रेन फेड फार्मिंग, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन रीजन रिसीविंग मोर देन 1150 mm। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग द रेनी पीरियड अ पोर्शन ऑफ द रेन रिसीव्ड गोज ऑन रन ऑफ एंड द रिमेनिंग पार्ट एंटर्स द सॉइल। इट जनरली परकोलेट टू द लोअर लेयर एंड समटाइम्स गोज बियॉन्ड द रूट जोन ऑफ द क्रॉप्स। आफ्टर द रेन द सर्फेस सॉइल ग्रेजुअली ड्राइज आउट आइदर ड्यू टू द इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन और ड्यू टू बोथ। ठीक है अभिषेक।
Which of the following method are used for the soil conservation? Mulching, intercropping, contour plowing, shelter beds. बोले क्या सुबह सुबह खेती करवाने उठे हो क्या? Good. Right answer is D. Some methods of the soil conservation are the mulching. The bare ground between the plant is covered with a layer of organic matter like the straw. It helps to retain the soil moisture. Contour barriers, stone, grass, soil are used to build the barrier along the contours. Trenches are made in front of the barrier to collect the water. ठीक है, हिमालयन एरियाज में ज्यादा होता है. Rocks are piled up to slow down the flow of the water. Terrace farming are made on the steep slopes so that the flat surfaces are available to grow the crops. ठीक है, intercropping. Different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rain wash. Contour plowing. Plowing parallel to the contour of a hill slope to form a natural barrier for the water to flow down the slope. तो मिट्टी के साथ ही रह लेना था, बावला के साथ क्यों रह रहा है? अब ये मत बोल दियो कि भावना भी जो है यहाँ पे सर मिट्टी से ही तो बनी है. Recently, a new fossil record of the bamboo has shown that India is the birthplace of the Asian bamboo. In which part of the India has it been discovered? Nilgiri forest, मालाबार कोस्ट, पलानी हिल्स, आसाम कोल फील्ड्स. गुड, आंसर इज डी. रिसेंटली अ न्यू फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ द बेम्बू हैज शोन that India is the birthplace of the ancient bamboo. The fossil was found in the Tirap mine of the Makum coal field in Assam. This finding further strengthened the theory that bamboo came to Asia from India and not from the Europe. Bamboo survived in a wide range of climatic conditions from as cold as 5 degrees Celsius to even 30 degrees Celsius. And at the sea level to height of above 4,000 meters. They can survive in the varying rainfall conditions too. Next question. With reference to the peat soils, consider the following statement. They are formed in the areas of heavy rainfall and the high humidity. They are rich in the humus and the organic content. Correct answer is C, Rahul. Peaty soils are found in the area of heavy rainfall and high humidity.
where there is a good growth of the vegetation. A large quantity of the dead organic matter accumulate in these areas, and this gives rich humus and the organic content to the soil. Organic matter in these soils may go even up to 40 to 50%. These soils are normally heavy and black in color. It occurs widely in the northern part of Bihar, southern part of Uttarakhand, and the coastal areas of the West Bengal, Odisha, and Tamil Nadu. Next question. With the reference to the agricultural practices, consider the following statement. Intercropping method involve growing the different crops simultaneously within the same plot. Mulching in the practice of cultivation of leguminous crops between the cropping season. Which of the following statement given above is or are correct? राइट मीनाक्षी, राइट निष्ठा, राइट किशन, राइट अभिषेक, राइट सौभाग्य. राइट गुणाल, आंसर इज ए. इंटरक्रॉपिंग इन्वॉल्व ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप साइमल्टेनियसली विद इन द सेम प्लॉट ऑफ लैंड. This increases the yield and maximizes the utilization of abiotic input like the efficient use of sunlight, water, etc. Mulches are generally the waste plant material. In mulching, these plant materials are spread around the base of the crop. It protects the soil from erosion, reduces the compaction from the impact of heavy rains, conserve the moisture, reduce the need for frequent watering, maintain a more even soil temperature, and prevent the weed growth. Yes, right. Consider the following statement with respect to medium rain surface to air missile. It is a surface-to-air missile developed indigenously by the DRDO. It is vertically launched supersonic missile powered by a dual-pulse solid propulsion system. Which of the statement given above is or are correct? Right answer is C. Only Nishtha is right. So Bhagya is also right. India has recently conducted the first launch of the army version of medium range surface to air missile, which is an air and the missile defense system developed by the DRDO. It is a high response, quick reaction, vertically launched supersonic missile designed to neutralize the enemy aerial threat. Missile aircraft guide the bombs helicopters used by the Army, Navy and the Air Force in the different variants. MRSAM surface to air missile is powered by the dual pulse solid propulsion system developed by the DRDO. It has been manufactured by the Bharat Dynamics Limited. अरे बन तो हमारे यहीं पे रहा है.
इसराइल तो जो है यहाँ पे केवल जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है यहाँ पे कि ऐसा करो ऐसा करो। हाँ जी निष्ठा, PIB में दे रखा है ये। चल, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बेम्बू प्लानिंग, सॉरी बेम्बू प्लांट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ ग्रीगेरियस फ्लावरिंग? फ्लावरिंग इंड्यूस्ड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज द ड्रॉट और द कोल्ड इंस्टेड ऑफ जेनेटिक्स। ऑल प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज फ्लावर एट द सेम टाइम रिगार्डलेस ऑफ द डिफरेंसेज इन द ज्योग्राफिकल लोकेशंस। The continuous growth of the offspring while being attached to the maternal parent, periodic flowering which rarely produces the viable seed. राइट आंसर इज बी। देर एग्जिस्ट थ्री टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग इन द बेम्बू। कॉन्टिन्यूस फ्लावरिंग, सम बेम्बू स्पीशीज कीप फ्लावरिंग ईयर आफ्टर ईयर विदाउट एनी इफेक्ट ऑन द प्लांट इटसेल्फ। ऑल्दो द प्रोड्यूस सीड्स आर रेयरली वाइबल, कॉन्टिन्यूस फ्लावरिंग मे ऑल्सो अकर इन डिफरेंट इंडिविजुअल प्लांट्स। स्पोरेडिक फ्लावरिंग, देर इज वेरी लिटिल पैटर्न टू दिस टाइप ऑफ फ्लावरिंग एंड इट मे बी इंड्यूस्ड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। Gregarious flowering, many woody bamboo species are subject to the gregarious flowering, which means that all the plants of a particular species flower at the same time, regardless of the differences in the geographical locations or the climatic conditions. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन सॉइल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल ऑर्डर हैव मैक्सिमम एरिया कवरेज इन इंडिया? इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल, मॉलीसोल, एंटीसोल। राइट आंसर इज ए, इंसेप्टिसोल। ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ द सॉइल सर्वे एंड द लैंड यूज प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूट अंडर द कंट्रोल ऑफ ICAR डिड अ लॉट ऑफ स्टडीज ऑन द इंडियन सॉइल्स। इन देयर एफर्ट टू स्टडी द सॉइल एंड टू मेक इट कंपेरेबल एट द इंटरनेशनल लेवल, द ICAR हैज क्लासिफाइड द इंडियन सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर एंड द कैरेक्टर। ठीक है, दिस इज इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, एल्फीसोल, वर्टिसोल, एरिडिसोल, यूटिसोल, मॉलिसोल एंड द अदर्स। खजान फार्मिंग, यस राहुल, खजान फार्मिंग अ टर्म रिसेंटली सीन इन द न्यूज रेफर्स टू एन एस्टुअरीन एग्रीकल्चरल सिस्टम प्रैक्टिसिंग इन द गोवा, ड्राईलैंड फार्मिंग सिस्टम प्रैक्टिस इन तेलंगाना,
system of rice cultivation in the backwaters of Kerala, shifting cultivation system practiced in the northeastern state of India. Hello, Ram. अभिषेक क्या होगा? एसी? नहीं बेटा, एसी नहीं चला रखा। राइट आंसर इज ए। खजान आर द कोस्टल वेटलैंड्स ऑफ द गोवा। ट्रेडिशनल खजान टेक्नोलॉजी प्रोटेक्ट द एग्रीकल्चरल फील्ड एंड विलेजेस फ्रॉम सेलिनिटी इंट्रूजन, इनंडेशन एंड द फ्लड। Recently, it was reported that the land under the estuarine agricultural system called the Khazan farming are in a state of decay. Khazan dikes are built of the mud from the field. Outer wall or the protective dikes are very thick to sustain pressure of the riverine water flow. A trench is made in between the two walls of the protective dike and is filled with the clay from the field. ठीक है, फिश करी एंड राइस, ये गोवा की स्टेपल डाइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी मिसाइल के बारे में बताइए। इट इज अ टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ। It is powered by the solid fuel propulsion twin engines. ओके हेमा, ओके शम अभी, ओके किशन, ओके कुणाल। ओके सितली, राइट आंसर इज सी। दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पृथ्वी इज द टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल developed by the DRDO, deployed by the India Strategic Forces Command. Recently test fired, ठीक है, liquid propelled Prithvi 2 has a range of 250 kilometer and can carry a 1 ton a warhead. It is India's first indigenous surface to surface strategic missile. The state of the art missile used as advanced interior guidance system with maneuvering trajectory to hit its target. हाँ, 250 किलोमीटर जो है यहाँ पे शॉर्ट है। पृथ्वी टू ठीक है, ये पृथ्वी टू है। मैंने पृथ्वी के बारे में पूछा था बेटा। ठीक है किशन, तो 250 किलोमीटर उनके लिए, तो अब 5000 किलोमीटर तक भी जाते हैं ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन लीड टू अ डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पॉलिनेटर्स। इसलिए क्वेश्चन, अब जब तुम भावना को लेके जाओ ना, तो बोलोगे चलो जी हम एक शॉर्ट ड्राइव पे जाते हैं, तो 250 किलोमीटर की शॉर्ट ड्राइव पे जाना।
जीएम क्रॉप्स, मोनोक्रॉपिंग, जीरो टिलेज। ओके ओके राइट आंसर इज ए। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम अ मेल पार्ट ऑफ अ प्लांट टू अ फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, लेटर इनेबलिंग द फर्टिलाइजेशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ द सीड्स, मोस्ट ऑफन बाय एन एनिमल और बाय द विंड। पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर एनिमल्स सच एज द इंसेक्ट, बर्ड एंड द बैट्स, वाटर, विंड एंड इवन द प्लांट देमसेल्फ व्हेन सेल्फ पॉलिनेशन अकर विद इन अ क्लोज फ्लावर। दीज आर रिस्पॉन्सिबल नॉट जस्ट फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स बट ऑल्सो इंक्रीजेज इन यील्ड। देर आर सेवरल कॉजेज फॉर द डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पॉलिनेटर्स, मोस्ट ऑफ देम आर द रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द ह्यूमन एक्टिविटीज। सही पकड़े कुणाल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव। It aims to classify telecom products and their sources under the trusted and the non-trusted categories. It seeks the telecom service providers to mandatorily replace the old and the existing equipment that does not meet the specified criteria. ठीक है कुणाल, निष्ठा क्या करोगी बेटा? ठीक है अंशिका, ओके हेमा, राइट आंसर इज बी। नहीं प्रांजल, इट विल बी बी बेटा। ठीक है, इट एम्स टू क्लासिफाई टेलीकॉम प्रोडक्ट्स एंड देयर सोर्सेज अंडर द ट्रस्टेड एंड द नॉन ट्रस्टेड कैटेगरीज। इट विल मेक इट्स डिसीजन बेस्ड ऑन द अप्रूवल ऑफ द एनएससी ऑन द टेलीकॉम, हेडेड बाय द डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। द नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर इज द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी एंड विल डिवाइज द मेथोडोलॉजी टू डेजिग्नेट ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम अमंग द सोर्सेज डिक्लेयर्ड एज द ट्रस्टेड सोर्सेज बाय द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। Those which meet the criteria of the Department of Telecom, preferential market access products will be certified as India's trusted source. Telecom service providers are required to connect new devices which are designated trusted products. नहीं, incorrect पूछा है ना? नहीं तो ए तो ठीक है, इट एम्स टू क्लासिफाई टेलीकॉम प्रोडक्ट्स एंड देयर सोर्सेज अंडर अ ट्रस्टेड एंड नॉन ट्रस्टेड कैटेगरी, ये तो ठीक है। किशन फर्स्ट तो ठीक है स्टेटमेंट बेटा, नाउ नेक्स्ट बॉस के बारे में बताइए।
It transmits the real-time video and data at the distance 50 km to control the station through the satellite communication. It is designed and developed by the DRDO. Okay, all the new students kindly join the Telegram channel, that is Ankur IES. Right answer is D. किसी ने सही आंसर नहीं दिया है. ठीक है, इट इज डिजाइंड बाय द IRDE. The system has been deployed at the Ladakh border area for day and night surveillance. The system facilitates monitoring and surveillance by automatically detecting the intrusion in the harsh high altitude, sub-zero temperature areas with the remote operation capability. System is being produced by the BEL. It is equipped with the hybrid energy source for round-the-clock functionality. It consists of the battlefield surveillance radar and payload consists of the day camera, GPS, etc. mounted at an observation tower. ठीक है, बीस किलोमीटर तक जो है यहां पे वो वीडियो और डाटा दे सकता है. 50 किलोमीटर बहुत हो गया बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्त्र MK1 के बारे में बताइए. गुड मॉर्निंग धन्या. इट इज इंडिजीनियसली डेवलप्ड फर्स्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल विच हैज द कैपेबिलिटी टू कैरी अ न्यूक्लियर वॉरहेड. द मिसाइल इज डिजाइन टू एंगेज एंड डिस्ट्रॉय हाईली मैन्यूवरिंग सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट. करेक्ट आंसर इज बी. राहुल ने सिर्फ सही आंसर दिया है. इट इज इंडिजीनियसली डेवलप्ड फर्स्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कैन बी लॉन्च फ्रॉम द सुखोई 30 LCA MiG-29 एंड MiG-29K. द मिसाइल इज डिजाइन टू एंगेज एंड डिस्ट्रॉय हाईली मैन्यूवरिंग सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट. द वॉरहेड वेट्स 15 kg एंड इज ऑफ हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रेगमेंटेड टिपिकल type activated by approximated fuse. It is developed by the DRDL Hyderabad and produced by the BDL Hyderabad. ठीक है, अग्नि 5 जो है वो DRDO ने जो है यहां पे डिजाइन किया है. नाउ आकाश मिसाइल सिस्टम. इट इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल विद अ रेंज ऑफ 25 किलोमीटर्स.
India has recently approved the export of Akash missile to the friendly countries. मीनाक्षी इसके बाद दिखाता हूं बेटा। राइट, आंसर इज ए। ठीक है, मीनाक्षी इज राइट। यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द एक्सपोर्ट ऑफ द आकाश मिसाइल टू द फ्रेंडली कंट्रीज एंड कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी हेडेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर फॉर फास्टर अप्रूवल ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस प्लेटफॉर्म्स। आकाश इज सर्फेस टू एयर मिसाइल विद द रेंज ऑफ 25 किलोमीटर्स। राइट, द एक्सपोर्ट वर्जन ऑफ द आकाश विल बी डिफरेंट फ्रॉम द सिस्टम करंटली डिप्लॉयड विद इन द इंडियन आर्म फोर्सेस। ठीक है, ये लीजिए मीनाक्षी क्वेश्चन बेटा। न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं है बेटा। चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द सॉइल इम्पॉवरिशमेंट। इट डिनोट्स अ कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट इन द सॉइल। इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। इट रेफर्स टू द वियरिंग अवे ऑफ द फील्ड टॉप सॉइल बाय द नेचुरल फिजिकल फोर्सेज ऑफ वाटर एंड द विंड। इट इज डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक एंड द सेडिमेंट्स ऑन अ स्लोप्ड सर्फेस। राइट, करेक्ट आंसर इज बी। सॉइल इम्पॉवरिशमेंट और द रिवर्स फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। इन जनरल द रिमूवल ऑफ द न्यूट्रिएंट डिप्राइव्स द प्लांट ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ। इट मे लीड टू द ग्रोथ सक्सेशन ऑफ द प्लांट। हाउएवर दिस टेक्निक ऑफ रिवर्स फर्टिलाइजेशन कैन बी यूज इन द फॉरेस्ट्री फॉर ग्रोथ ऑफ सर्टेन स्पीशीज ओवर द अदर्स। इट इज मोस्ट ऑफन डन बाय इंट्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। ठीक है, तो आज का सेशन जो है यहाँ पे कंप्लीटली एग्रीकल्चर और डिफेंस पे था। राइट, सो आई थॉट कि हाँ भी पेपर से पहले एक बार जो है हमें एग्रीकल्चर और डिफेंस की भी रिवीजन कर लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी तो ये हम सब करते ही रहते हैं। राइट, चलिए, टेक केयर एवरीवन, कल मिलते हैं यहाँ पे।